हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो समरस्लैम 2021 के लिए अब बस 6 दिन बच गए हैं और इस बार समरस्लैम रेसलमेनिया से कम नहीं होने वाला है, और इसलिए आज की इस वीडियो में हम समरस्लैम 2021 में होने वाले सभी मैचेस के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आप समरस्लैम कितने बजे और कब देख सकते हो। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सेथ रॉलिंग्स को आज तक इस बात का अफसोस है कि क्यों उन्होंने एज की गर्दन नहीं तोड़ी थी जब उनके पास मौका था, और आज सेथ का कहना यह है कि अगर वो एज को रास्ते से हटा दें तो वो यूनिवर्सल चैंपियन के पीछे जा सकते हैं। लेकिन एज भी हारे हैं सेथ रॉलिंग्स की वजह से मनी इन द बैंक पेपरव्यू में, इसलिए एज भी सेथ रॉलिंग्स को हरा कर उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। और एज ने ये तक बोल दिया है कि सेथ उनकी सस्ती कॉपी हैं, और सेथ ने इस हफ्ते कहा है कि वो इस बार एज को स्टॉर्म करके उनका WWE करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे समरस्लैम 2021 में, और इन दोनों का सिंगल्स मैच फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। और सेथ रॉलिंग्स और एज के फैंस उस टाइम से इन दोनों का मैच देखना चाहते हैं जब से एज रिटर्न आए थे रॉयल रंबल पेपरव्यू में, और अब फाइनली कुछ दिनों के बाद रेटेड आर सुपरस्टार एज फेस करेंगे स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंग्स को। और बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में सेथ रॉलिंग्स के जीतने के थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं, पर मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच में एज जीतेंगे। वैसे आप लोग भी कमेंट्स करके बताएं कि आपके हिसाब से इस मैच में कौन जीतेगा, एज या फिर सेथ रॉलिंग्स। रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी एश ट्रिपल थ्रेट मैच में फेस करने जा रही हैं शार्लेट फेयर और रिया रिपली को रॉ वुमेन्स टाइटल के मैच में, और रूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि इस मैच में शार्लेट फेयर जीत सकती हैं, और उसके बाद बेकी लिंच रिटर्न आएंगी समरस्लैम 2021 में शार्लेट फेयर से फेस ऑफ करने के लिए, और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर फेस करने जा रही हैं साशा बैंक्स को। और साशा बैंक्स जब से रिटर्न आई हैं लगातार वो बुरी तरह मार रही हैं बियांका को, इसलिए मुझे लगता है कि साशा बैंक्स को बियांका ब्लेयर हरा कर उनकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। और डेमियन प्रीस्ट समरस्लैम 2021 में फेस करेंगे शेमस को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच में, और इस मैच में डेमियन जीतकर पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन सकते हैं। और WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर फेस करेंगे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल को, और इस मैच में जिंदर की मदद शैंकी और वीर भी करेंगे, लेकिन इस मैच में ड्रू मैकइंटायर जीत जाएंगे जिंदर महल को हराकर। और द मिस्टीरियो समरस्लैम में फेस करने जा रहे हैं द उसोस को स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, और क्योंकि WWE 2K22 के कवर सुपरस्टार रे मिस्टीरियो भी बन सकते हैं, और 2K22 स्पॉन्सर कर रहे हैं समरस्लैम को, इसलिए रे और डोमिनिक जीतकर फिर से स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन भी बन सकते हैं। WWE चैंपियन बॉबी लैशी समरस्लैम 2021 में फेस करेंगे बिल गोल्डबर्ग को WWE चैंपियनशिप के मैच में, और गोल्डबर्ग ने ये कहा है कि स्पीयर पड़ने के बाद लैशी को समझ में आ जाएगा कि बिल गोल्डबर्ग कौन है, और लैशी उनका WWE चैंपियनशिप भी हारेंगे समरस्लैम में, क्योंकि गोल्डबर्ग ने कहा है कि वो चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते और लैशी गोल्डबर्ग का करियर खत्म करना चाहते हैं समरस्लैम पेपरव्यू में, और इसलिए लैशी ने ये तक बोल दिया है कि वो चाहते हैं कि समरस्लैम में बिल गोल्डबर्ग के बेटे गेज भी आए, ताकि लैशी उसके सामने गोल्डबर्ग का करियर हमेशा के लिए खत्म कर सकें। और क्योंकि ये बिल गोल्डबर्ग का इस साल का दूसरा मैच है, इसलिए वो हार जाएंगे बॉबी लैशी से। पर इस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर का सरप्राइज रिटर्न फैंस को देखने मिल सकता है, और ब्रॉक रिटर्न आकर अटैक कर देंगे बॉबी लैशी पे। तो चलिए अब बात करते हैं समरस्लैम 2021 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि हो रहा है द चैंप जॉन सीना और द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स के बीच में, और इन दोनों का मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रोमन रेक्स ने ये कहा है कि सीना WWE चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते, और रोमन ने ये कहा है कि वो जॉन सीना को हरा कर वापस हॉलीवुड भेज देंगे। लेकिन जॉन सीना ने ये कहा है कि WWE रोमन को हमेशा बचाते आए हैं, लेकिन समरस्लैम में रोमन को कोई नहीं बचा पाएगा, और सीना जीत कर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे। और इस मैच में अभी भी बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इन दोनों के 50-50 चांसेस हैं जीतने के। वैसे आप लोग इस मैच में किसकी टीम में हो, टीम जॉन सीना या फिर टीम रोमन रेक्स, कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। और समरस्लैम 2021 इंडिया में संडे 22 अगस्त की सुबह 4:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 बदेगा। और जानने से पहले रेसलिंग पीडिया के सभी मेंबर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।